गुड मॉर्निंग, दिस इज़ तबरेज़ अख्तर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ऑफ कंप्यूटर एंड चैप्टर नेम इज फॉर्मेटिंग इन MS PowerPoint 2010। MS PowerPoint के बारे में ये चैप्टर है और जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ वही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और वही चैप्टर ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जो चैप्टर मैंने नहीं करवाए हैं वो चैप्टर नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने चैप्टर 5 नहीं करवाया है तो चैप्टर 5 नहीं आएंगे। तो वही चैप्टर जो करवा रहा हूँ वही आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें MS PowerPoint के बारे में देखना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS PowerPoint 2010 आर इजी टू इम्प्लीमेंट एज दे आर एज मच सिमिलर टू दोज इन MS Word 2010। तो MS PowerPoint भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक प्रोग्राम है। जैसे MS Word करके एक प्रोग्राम था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, उसी तरीके से MS PowerPoint भी है। और MS PowerPoint भी आपको वही मिलेगा उसी लिस्ट में जहाँ पे आपको MS Word मिला था। जैसे MS Word खोलना बताया था वैसे ही MS PowerPoint भी उसी लिस्ट में होता है। आपको इस टाइम पे MS PowerPoint खोल लेना है। MS PowerPoint का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो बनाया जाता है वो पावर पॉइंट में ही बनाया जाता है, ठीक है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं और उसके उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग यानी उसमें बहुत सारे से चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, कलर स्कीम चेंज करना। MS PowerPoint में कलर स्कीम कैसे चेंज करते हैं, कलर स्कीम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन एनी प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, ठीक है। प्रेजेंटेशन को आपको ओपन करना है, ठीक है। पहले PowerPoint ओपन करना है, फिर न्यू प्रेजेंटेशन को ही आपको ओपन करना है। साइड में आपको न्यू लिखा रहेगा ये क्रिएट न्यू करके। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको डिज़ाइन टैब मिलेगा, साइड में डिज़ाइन टैब, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाली पट्टी है इसमें यहाँ पे डिज़ाइन टैब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन टैब में कलर्स में क्लिक करना है। यहाँ पे कहीं पे कलर्स होंगे वहाँ पे आपको कलर्स में क्लिक करना है, तो आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देने पड़ेंगे, ठीक है। जो कलर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलर स्कीम के थ्रू कलर चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अप्लाई फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट। अब इसमें फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट में क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड इंटर द टेक्स्ट एज टाइटल, ठीक है। सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू, जैसे ही आपने न्यू फाइल, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्लिक किया, ठीक है, क्रिएट फाइल की, ठीक है, या क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपको फिर जब ये ऐसा खुल जाएगा, खुलने के बाद ये जो आपने टाइटल, ये आपको टाइटल यहाँ पे लिखना पड़ता है कि आप किस चीज़ का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने टाइटल लिखा वर्क्स ऑन वर्शिप, वर्क ऑन वर्शिप। तो वर्क ऑन वर्शिप जो है इसका टाइटल है, ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, यही टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फॉन्ट टाइप ड्रॉप डाउन एरो इन द होम टैब, सिलेक्ट एनी फॉन्ट ऑफ योर फॉन्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो होम में आपको ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे एक बड़ा ए लिखा है, एक छोटा ए लिखा है। बड़े ए में क्लिक करोगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, छोटे ए में क्लिक करोगे तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा, ठीक है। शेडो बटन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेडो बटन दी हुई है, ये एस लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ये शेडो बटन के लिए एस लिखा हुआ है। जैसे दिखाओगे दबाओगे तो ये शेडो टाइप का दिखने लगेगा थोड़ा सा इसमें। उसके बाद फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो नंबरिंग से,
ठीक है, आपको जो नंबरिंग सिलेक्ट करना हो, अगर ज़्यादा बड़ी नंबरिंग सिलेक्ट करोगे तो ये इसका साइज़ और बड़ा होता जाएगा, छोटी नंबरिंग सिलेक्ट करोगे तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, शेडो के बारे में बता दिया। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग भी जो है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी हुई है अच्छे से देखिए। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का निशान आप चाहो तो नीचे भी लिखा बना हुआ है, देख लेना। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के लिए है, यानी जो कुछ भी आपने किया वो सारी चीज़ हट जाएगी, यानी पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है, स्ट्राइक थ्रू यानी कोई भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे आपने ये लिखा हुआ है इसके ऊपर एक लाइन खींच जाएगी, ऐसे कट जाएगी लाइन, तो ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन, ये जो ऑप्शन है, ये यू के नीचे एक अंडरलाइन है, तो ये ऑप्शन जो है अंडरलाइन करने के लिए है, जो भी आपने वर्ड लिखा हुआ है, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो भी आपने टाइटल बनाया हुआ है, जो कुछ भी आपने लिखा है उसके नीचे लाइन खींच जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आई जो है टेढ़ा बना है, इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो भी टेढ़ा हो जाएगा, यानी इटैलिक में हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक में हो जाएगा, इटैलिक में हो जाना मतलब आपकी जो राइटिंग है वो टेढ़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे पहले तबरेज़ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो अब जो है वो ऐसा लिखा रहेगा, TABRE, टेढ़ा हो गया ना। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी का मतलब बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब थोड़ी सी राइटिंग आपकी डार्क हो जाएगी, थोड़ा डार्क हो जाएगी, थोड़ा मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बताए, ठीक है, वही चीज़ आपका लिखा हुआ है, बस आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसी तरीके से ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं बात। कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में देखूं तो कैरेक्टर स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन आपका ये है, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन ये है, उसमें एक नीचे ऐसे कुछ करके लाइन खींची हुई है, तो जैसे ही आप इस लिस्ट में से कोई भी आप सिलेक्ट करते हो, अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करके देखते हो, तो कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, यानी थोड़ा ये दूर दूर दिखाई पड़ने लगेगा, ये होता है कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू बता दिया, अब आते हैं चेंज केस। केस चेंज करना है यानी इसका मतलब ये होता है, लोअर केस करना है, अपर केस करना है, टोगल केस करना है, यानी जो लेटर है वो कैपिटल का स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है चेंज केस। तो जैसे ही यहाँ पे पहले क्या लिखा था, पहले अगर सॉरी पहले अगर लिखा था आपका वर्क इज वर्शिप है ना, तो W जो है वो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये देखो ये सारा चीज़ अलग चेंज हो गया। देखो इसमें W था, बाकी स्मॉल था, इज फिर वर WORSHIP ये स्मॉल में लिखा हुआ है, उसके बाद जैसे ही चेंज केस किया, अपर केस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये वर्क इज वर्शिप ये सारा कैपिटल लेटर में हो गया, लोअर केस में स्मॉल लेटर में हो जाता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन जो है वो आपको यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, इस टाइप का कैपिटल ए और स्मॉल ए बना रहता है। ठीक, अब अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट में क्या करते हैं, अलाइनमेंट में क्या करते हैं कि जो आपने लिखा हुआ है, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ लेफ्ट में, ये जैसे आपका ये पेपर दिखाई पड़ रहा है उसमें, तो ये पैराग्राफ आपका लेफ्ट साइड आ जाए, या पैराग्राफ आपका राइट साइड आ जाए, पेपर के राइट साइड आ जाए, बिल्कुल बीच में रहे आपका पैराग्राफ। ठीक है, ठीक है, या फिर जस्टिफाई रहे, यानी इवनली इवन हो जाए, यानी जो बीच बीच में होना चाहिए वो बीच में हो जाए, यानी अपने हिसाब से वो सेट कर देगा, तो वो जस्टिफाई कहलाता है, यानी बीच में ही रहेगा वो। ठीक है,
तो अलाइनमेंट का अलाइनमेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा है, ये बीच में है, लेफ़्ट में करेंगे तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ है वर्क इज़ वर्शिप, और राइट में करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में रहेगा, जस्टिफाई करेंगे तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट इसके बराबर एक सेंटर पकड़ लेता है, वो जस्टिफाई में रहता है, ना ज़्यादा लेफ़्ट ना ज़्यादा राइट, ठीक है। तो देखो राइट अलाइनमेंट में देखो क्या हुआ कि ये राइट साइड भाग गया, ठीक है, दिखाई पड़ रही है ना। हाँ, अब इंडेंट अप्लाई करना है। इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब ये होता है कि जो पैराग्राफ हम आपने बनाया हुआ है ना, वो पैराग्राफ जो है तो थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, ये जो आपकी मार्जिन है ना उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये इंडेंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, माउस से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मार्कर यहाँ पे, ये यहाँ पे मार्कर बना होता है, लेफ़्ट इंडेंट मार्कर भी है यहाँ पे, ठीक है। लेफ़्ट करना है इंडेंट मार्कर को, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है ना, इसलिए ड्रैग द लेफ़्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड। लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर जो है उसको राइट साइड में ले जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा और अंदर की तरफ चला जाएगा, ये देखो चले गए। और इन ऑर्डर टू गिव एन इंडेंट टू द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ ड्रैग द फर्स्ट लाइन एंड इंडेंट मार्कर टुवर्ड द राइट साइड, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट लाइन को करना है तो सिर्फ फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इंडेंट को खिसका दीजिए, ये जो इंडेंट मार्कर ऊपर है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर यहाँ पे बना हुआ है, तो इस इंडेंट मार्कर को आगे पीछे खसकाएंगे ना तो ये आपका जो दिया हुआ जो आपने लिखा हुआ है ना वो आगे पीछे होता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा अंदर की तरफ करना है तो हो सकता है, बाहर की तरफ करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाले चैप्टर, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले एवरी प्रेजेंटेशन कम्स विद, सारे प्रेजेंटेशन है कलर स्कीम के साथ आते हैं, ठीक है। सारे प्रेजेंटेशन में कलर स्कीम होती ही है, ठीक है। कलर स्कीम यानी कलर जो है तो हम उसमें से अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। विच वन ऑफ द रिफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट ऑन स्लाइड, ठीक है। विच वन ऑफ दीज रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, स्लाइड में टेक्स्ट को प्लेसमेंट कौन सा कर सकता है। इसमें मैंने शायद टिक नहीं लगाया है, चेंज केस से प्लेसमेंट नहीं होता, स्ट्राइक थ्रो से प्लेसमेंट नहीं होता, इंडेंट से प्लेसमेंट नहीं होता, अलाइनमेंट से प्लेसमेंट हो जाता है, ये कह सकते हैं। इंडेंट और अलाइनमेंट में दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको टिक करके भेज दूंगा। प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो अलाइनमेंट में प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट अलाइनमेंट में ही कहलाते हैं, तो अलाइनमेंट को ही हम मेन कह सकते हैं कि जिसमें प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसका अलाइनमेंट होगा। और द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एम एस पावर आर मच सिमिलर टू दोज ऑफ एम एस पावर पॉइंट, में जो फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वो किसके जैसा है, हमने देखा था एम एस वर्ड के जैसा है। उसके बाद फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपियरेंस, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसके उसका जो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, यानी अच्छा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव,
इसीलिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें, ठीक है। विच बटन इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज की वसन फॉन्ट साइज की बटन ही यूज़ करेंगे। पहला है यू कैन नॉट अप्लाई अलाइनमेंट, क्या अप्लाई अलाइनमेंट नहीं कर सकते, गलत बात, ये गलत होगा, अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई चेंज द कलर स्कीम, कलर स्कीम चेंज नहीं कर सकते, ये भी गलत, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बटन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप आर टॉगल, तो फॉन्ट में जो फॉन्ट ग्रुप में जितनी बटन है वो ज़्यादातर टॉगल बटन है, टॉगल मतलब सिर्फ ऑन ऑफ करने वाली बटन, यानी एक बार किए तो अप्लाई हो गया और एक बार किए तो अंडू हो गया, ऐसी बटन है। तो हाँ ये ऑन ऑफ वाली बटन है, यानी जैसे कि शेडो हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सारी सिर्फ एक बार दबाने वाली है, एक बार दबाओगे तो आपका काम हो जाएगा और फिर दोबारा टच करोगे तो वो जो काम आपने किया था वो अंडू हो जाएगा, अंडू मतलब वापस से जैसा था वैसा हो जाए। यू कैन नॉट अप्लाई स्पेशल इफेक्ट ऑन, क्या स्पेशल इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, गलत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेंट फीचर इज़ यूज टू क्लियर पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लियर करने के लिए इंडेंट का यूज़ किया जाता है, गलत, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, जस्टिफाई आएगा सबसे पहले, जस्टिफाई अलाइंस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, तो राइट एंड लेफ्ट के बीच में ठीक से जमा देता है वो जस्टिफाई वाला ऑप्शन, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज बटन इज़ यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज का बटन का यूज़ किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू के लिए, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए स्ट्राइक थ्रू बटन का यूज़ किया जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग से सारे जो हमने फॉर्मेटिंग की है वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। इंडेंटिंग फीचर यूज़ करना यूज़ किया जाता है पैराग्राफ को मूव करने के लिए या फर्स्ट लाइन को मूव करने के लिए। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैंने टिक किए हुए हैं। विच बटन इज़ यूज टू अप्लाई शेडो इफेक्ट, शेडो इफेक्ट कौन सी बटन से अप्लाई होता है ये मैंने टिक करके दिया हुआ है। उसके बाद टॉगल की तीन बटन बतानी है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे साइड में लिख दिए हैं कि तीन बटन टॉगल वाली यानी सिर्फ ऑन ऑफ करने वाली बटन कौन सी है, मैंने यहीं पे ये लिख दिया है। इसमें अभी दिख नहीं रहा है तो दिखेगा आपको जब फ़ोटो भेज दूँगा। थर्ड नंबर कलर स्कीम की जो स्टेप है वो बतानी है, पहले पेज में ही कलर स्कीम की स्टेप दी हुई है। दूसरा था फोर्थ नंबर व्हाट इज़ अलाइनमेंट और टाइप टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। अलाइनमेंट क्या है ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक अलाइनमेंट के बारे में है। दो अलाइनमेंट को समझाना है तो ये दो अलाइनमेंट, एक ये वाला और ये उसके नीचे वाला, ये दोनों अलाइनमेंट को हम लिखेंगे आंसर नंबर फोर में। तो ये हो गया आंसर नंबर फोर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।